हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ सर्वाइविंग जर्मनी। पिछले एपिसोड के अंदर मैंने आपको बताया था कि आई वॉज लिविंग इन अ स्मॉल टाउन व्हेन आई एक्चुअली केम टू जर्मनी फॉर फर्स्ट 6 मंथ्स। और अगर आपने वो एपिसोड नहीं देखा तो आप वो जाके पहले चेक कर लें। मैं सर्वाइविंग जर्मनी पे काफ़ी सारे एपिसोड्स बनाने वाला हूँ, तो अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें। आज के इस एपिसोड के अंदर मैं आप लोगों से बात करूँगा व्हाट वॉज द एक्चुअल मोटिवेशन फॉर लिविंग इन अ स्मॉल टाउन इन जर्मनी। जब मैं यहाँ पर आया था, व्हाट वाज द एक्चुअल रीजंस, कुछ जो रीजंस थे वो मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर बता दिए थे। खैर, जब मैं जर्मनी नहीं आया था तो मेरे ऑलरेडी कुछ दोस्त थे जो कि डीबर्ग में रह रहे थे, और जब मैंने उनसे मतलब एक तरह से पूछना शुरू किया तो उन्होंने मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट किया कि जब तुम यहाँ आओगे तो सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि यहाँ का जो ऑस्टलैंडर भी होर्ड है डीबर्ग का, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। कुछ जो दोस्त थे मेरे वो जो डार्मस्टट में रह रहे थे, उनसे जब मुझे थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मिली तो जब मैं जर्मनी में था तो उनमें से काफ़ी सारे दोस्तों ने मुझे ये बताया कि हमें अभी तक एक्चुअल हाउसवाइफ नहीं मिला है, हमें एक साल हो गया यहाँ पर आए हुए। जब मैं जर्मनी आ गया, मुझे तकरीबन कोई 3 महीने के बाद हाउसवाइफ मिल गया था। जब वो दोस्त यार फिर से मिले तो तब तक उन्हें उनका एक्चुअली हाउसवाइफ नहीं मिला था। तो डार्मस्टट ना आने की एक तो रीज़न ये था, और डीबर्ग आने का एक रीज़न ये था कि आपको हाउसवाइफ जल्दी मिल जाता है। बाकी जो मेरे दोस्त थे जो डीबर्ग में ऑलरेडी रह रहे थे, उन्होंने मुझे बताया कि भाई यहाँ पे जो आउटस्टैंडर भी होर्ड है वो मोस्टली स्टूडेंट्स को 2 साल का वीज़ा देता है। अब मैं जब जर्मनी से यहाँ आ रहा था तो मुझे एक्चुअली जो वीज़ा मिला था वो 3 महीने का मिला था, और 3 महीने का जो वीज़ा था वो सेप्टेम्बर में शुरू हो रहा था और ऑलमोस्ट नवम्बर में ख़त्म हो रहा था, सेप्टेम्बर अक्टूबर नवम्बर। तो एक तो मुझे ये था कि यार अगर मुझे 2 साल का वीज़ा नहीं मिला तो फिर मैं क्या करूँगा। और खैर, ये वाला जो डिसीजन था डीबर्ग आने का, थोड़ा सा मैं इस चीज़ में था कि यार मुझे अगर 2 साल का वीज़ा मिल जाता है तो मैं बिल्कुल फ्री एंड हो जाऊँगा, बिल्कुल एक मेरा जो है ना दिमाग से टेंशन निकल जाएगी बेसिकली। लेकिन ऐसा मेरे साथ हुआ नहीं। मैं जब डीबर्ग आया तो मुझे हाउसवाइफ तो मिल गया 3rd-4th महीने के अंदर, मुझे आई थिंक जनवरी या दिसंबर में हाउसवाइफ मिल गया था। मुझे जो वीज़ा एक्सटेंशन मिली थी, जो फर्स्ट वीज़ा एक्सटेंशन थी, वो पूरे साल की भी नहीं थी, वो 11 महीने की वीज़ा एक्सटेंशन थी। दैट मीन्स कि मैं 3 महीने का वीज़ा जर्मनी लेकर आया था पाकिस्तान से, और जो फर्स्ट वीज़ा एक्सटेंशन मेरी हुई वो 11 महीने की हुई। तो दैट मीन्स मेरे पास जो टोटल वीज़ा था वो 14 मंथ्स का था। अब जो मेरे दोस्त यार थे, उन्हें ऑलरेडी 6 महीने का वीज़ा मिला था पाकिस्तान से, और उनकी जो वीज़ा एक्सटेंशन यहाँ आकर हुई थी, उन्हें 2 साल का वीज़ा मिला था डीबर्ग से। तो मेरे भी फिलहाल माइंड में यही था कि यार ऑस्टलैंडर भी होते काफ़ी अच्छा है डीबर्ग का, और आपकी प्रायोरिटी होती है कि जो आपके लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं वो ईज़िली कम्प्लीट हो जाएँ, आपको वीज़ा एक्सटेंशन ईजिली मिल जाए। तो मेरे माइंड में भी यही चीज़ थी कि यार मेरा ये वाला प्रोसेस जब स्मूथली हो जाएगा तो फिर मैं कहीं पर भी मूव हो सकता हूँ। लेकिन ये चीज़ मेरी बेसिकली हुई नहीं थी, और ये मेरे साथ थोड़ा सा बैड लक था कि मुझे फ़र्स्ट टाइम भी 3 मंथ्स का वीज़ा मिला, और जो फर्स्ट वीज़ा एक्सटेंशन मिली वो भी 11 महीने की मिली। 3 महीने के वीज़ा के अंदर एक तो मेरे पास वर्क परमिट नहीं था, दूसरा वो वीज़ा 6 मंथ्स का नहीं था, तीसरा ये था कि मुझे जब वीज़ा एक्सटेंशन मिलती तब मैं एलिजिबल होता कोई काम करने के लिए। तो मुझे 4 से 5 महीने के बाद वर्क परमिट और हाउसवाइफ मिला, और 4 से 5 महीने के बाद जब वर्क परमिट और हाउसवाइफ मिला तो बेसिकली तब मैं एलिजिबल हुआ कहीं जॉब करने के। उससे पहले मैं अपने ब्लॉक्ड अकाउंट पे जी रहा था, और जब आप ब्लॉक्ड अकाउंट पे जी रहे होते हो तो ऑब्वियसली आप बिल्कुल ही डेप्रिशिएट हो रहे होते हो, आपकी सारी सेविंग्स वगैरह ईच एंड एवरीथिंग वो नीचे जा रही होती है। मेरे साथ बैड लक हुआ फर्स्ट टाइम जब मैं जर्मनी आया, और लिविंग इन ए स्मॉल टाउन रहने का कोई बहुत ज़्यादा खास फ़ायदा मुझे नहीं हुआ। बस एक ये हुआ कि मुझे फ़र्स्ट टाइम हाउसवाइफ मिल गया था। अगर मैं डार्मस्टट में रहता तो मुझे हाउसवाइफ नहीं मिलता, मुझे या तो फिक्शनल वीज़ा पर रहना पड़ता या फिर मुझे काफ़ी टाइम के बाद एक तो अपॉइंटमेंट मिलती और उसके बाद मुझे जाके अपनी फ़र्स्ट वीज़ा एक्सटेंशन मिलती। ये चीज़ें आपके बिल्कुल माइंड में होनी चाहिए, आपको बहुत ज़्यादा गो थ्रू करना चाहिए कि कहाँ का हाउसलैंडर भी होर्ड कैसा है, जहाँ आप आ रहे हो वहाँ का राट हाउस हाउसलैंडर भी होर्ड कैसा है, वहाँ पे जो प्रोसेस है वो कितना स्मूथली हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपने बेसिकली कंसिडर करनी है यहाँ आने से पहले। जो भी स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ पर रहते हैं, आप उनसे कॉन्टैक्ट करो, फेसबुक पे पेजेस आपको मिल जाएंगे, हर शहर के अंदर ऑलमोस्ट आपको PSA मिल जाएगा। अगर उस छोटे टाउन में या छोटे शहर में नहीं है तो उसके आसपास के जो भी बड़े शहर हैं वहाँ पर आपको PSA मिल जाएगा, आप उनके ग्रुप्स ज्वाइन करो। और डॉयचलैंड के बहुत सारे फेसबुक ग्रुप हैं, आप वहाँ पर जाके ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पर आप
सर्च के बटन में जाके जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो आप सर्च कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आपको पोस्ट करना पड़े कुछ ना कुछ। एक चीज़ आपने अपने माइंड में बिल्कुल रखनी है कि ये जो वीज़ा एक्सटेंशन है, लीगल डॉक्यूमेंटेशंस हैं और इमिग्रेशन का जो भी प्रोसेस है और ये ऑस्टलैंडर भी होर्डे राहत हाउस का ये जितना भी प्रोसेस है ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। ये पर्सनली आपके साथ कैसा एक्सपीरियंस होता है ये आपको ही पता होगा, मतलब कोई आपके लिए प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था, मेरे मोस्टली दोस्तों को 2 साल के वीज़ा मिले थे और मुझे 11 महीने का वीज़ा मिला था। उनमें से फिर मेरे बाद जो स्टूडेंट्स आए उनमें से किसी को 1 साल का वीज़ा मिला, किसी को 2 साल का भी वीज़ा मिला टी बुक से। तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, आप कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, बस आप चांस ले सकते हो जैसे कि मैंने लिया था। तो ये सारी चीज़ें आपने बेसिकली कंसिडर करनी होती हैं। दैट वॉज द एक्चुअल मोटिवेशन बिहाइंड लिविंग इन अ स्मॉल टाउन इन जर्मनी फॉर मी, और ये चीज़ मेरे लिए बेहतर नहीं रही थी। उसके बाद जब मुझे वीज़ा एक्सटेंशन मेरी हो गई थी तो मैं मार्च के अंदर डीबर्ग से मूव आउट हो गया था डार्मस्टाट। वो भी एक पूरी कहानी है, मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड के अंदर बताऊँगा सर्वाइविंग जर्मनी के अंदर। और आई होप आपको इस वीडियो से हेल्प मिली होगी थोड़ी बहुत। अगर आपने पिछले एपिसोड्स नहीं देखे, पिछले व्लॉग्स नहीं देखे तो काइंडली आप मेरे चैनल पर जाके वो देख लें, उनमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैंने शेयर की हुई है। और आप मुझे फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। आई होप आपको ये सीरीज अच्छी लग रही हो। तो बस नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं किसी दिन इंशाल्लाह। मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएगा कि आपको इस वीडियो का कौन सा पार्ट अच्छा लगा। खैर अभी मैं यहाँ पे ऑफनबाग के एक पार्क के अंदर आया हूँ, बहुत खूबसूरत सा पार्क है। जब यहाँ पे स्नो गिरती है ना तो ये बहुत ही ज़्यादा क्लासी लगता है। तो खैर नेक्स्ट एपिसोड के अंदर हम बात करेंगे कि मैं डार्मस्टाट ही क्यों मूव हुआ, वहाँ पर मैं कितना टाइम रहा और वहाँ पर रहने का एक्सपीरियंस मेरा कैसा था। तो बस नेक्स्ट एपिसोड के अंदर मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। हसन शेख साइनिंग ऑफ। Peace out.